सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एस अप लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी। एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने रीडिंग टाइम का पूरा यूज करिए। जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे आते हैं उनको मार्क कर लीजिए और जो आपको ऑप्शंस में छोड़ने हैं उनको मार्क करिए और हमेशा कॉपी लिखना शुरू करिए उस क्वेश्चन से जो आपको सबसे बढ़िया सबसे बेहतरीन तरीके से तैयार है। ये कहीं जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही स्टार्ट करें। मैं तो कई लोगों को सलाह देता हूं कि जो मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको सबसे पहले करें, कि अगर टाइम आपका बचता नहीं है तो जो छूटेंगे क्वेश्चन वो एक एक मार्क वाले क्वेश्चन छूटेंगे आपसे। कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, इसलिए उस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करिए जो आपको सबसे बेहतरीन तरीके से आता है। मैंने बताया आपको कि आपकी कॉपी कोई रोबोट या कंप्यूटर नहीं चेक करता, एक ह्यूमन चेक करता है। अगर पहले ही पन्ने में आपने गंदगी फैला दी, कटिंग है, ओवरराइटिंग है, छिया बिया सब करके लिखा हुआ है, तो उसका क्या जाएगा इंप्रेशन। और वो पहले पेज का इंप्रेशन पूरी कॉपी पर रहता है, इसलिए अपना जो कॉपी का प्रेजेंटेशन हो वो बहुत सुंदर होना चाहिए। यूज स्केच पेन, स्केच पेन का यूज करिए और क्वेश्चन नंबर बीच में डालिए, लेफ्ट में मार्जिन रखिए, हमेशा बड़ा स्केल लेकर जाइए जिससे कि आप लाइंस खींच सकें। कोई क्वेश्चन फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी आपने किया तो इनके बीच में लाइन छोड़िए और उस लाइन में 2 लाइन छोड़ी आपने और उसमें रूलर से एक लाइन खींच दी। जब क्वेश्चन चेंज हुआ, 4th क्वेश्चन के बाद आप 5th पर आए तो लाइन ज्यादा छोड़िए, अगर कम लाइन है तो पेज पलट दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नए पेज से शुरू करिए। आपकी कॉपी में 2F ये जरूर याद रखिए, पहले F से फिगर है, दूसरी से फॉर्मूला है। फिगर हमेशा पेंसिल से बनाइए और फॉर्मूला अगर उससे रिलेटेड है तो जरूर बनाएंगे आप, जरूर लिखिए फॉर्मूले को और हमेशा विद यूनिट्स लिखिए, भले पूछा गया हो ना पूछा गया हो, यह आपकी कॉपी की ग्रेविटी को बढ़ा देगा। ध्यान रखिए, कॉपी जब आपकी चेक हो रही है तो उस समय आपकी पुरानी मार्कशीट नहीं लगी है उसमें, आपकी प्रोफाइल नहीं लगी है, वही कॉपी आपको बताती है कि आपका लेवल क्या है, आप किस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट रहे हो, वही देखकर आपके इंप्रेशन पर कॉपी चेक होती है। और कभी भी एग्जाम में डरिए नहीं, क्योंकि डर सबसे खराब चीज है और एग्जाम का डर एग्जाम से ज्यादा खराब होता है। बगैर डरे कूल माइंडेड होकर पेपर दीजिए एंड आई होप यू विल गेट सक्सेस।